नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण का 8वां अध्याय सुना रही हूँ, 8वें अध्याय और 8वें स्कंद का सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। हरिओम हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और छठवीं बार पारिजात नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई और भगवान जी ने कहा, श्री नारायण जी ने उसके गुण बताते हुए कहा कि इस वृक्ष से जो भी वस्तु मांगेंगे वह हम सब लोगों को प्राप्त होगी, अतः इसे समुद्र के तट पर लगा दिया जाए। हे परीक्षित, समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दैत्य ने फिर युद्ध हुआ, उस समय देवता उस वृक्ष को देवलोक में ले गए थे अस्तु। सातवीं बार समुद्र में रंभा नामक परम सुंदरी अप्सरा की उत्पत्ति हुई। वह किसी को नहीं मिली और वैश्य बनकर सबकी ही रह गई। आठवीं बार लक्ष्मी नामक एक परम सुंदरी स्त्री की उत्पत्ति हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम सुंदरी की उत्पत्ति हुई। वह अपने दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में माला लिए हुए सुंदर वस्त्र भूषणों से अलंकृत थी। उसके स्वरूप को देखकर श्री नारायण जी के अंतरिक्त सभी देवता तथा दैत्य आसक्त हो गए और समुद्र को मथना छोड़कर चारों ओर घेराए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, तथा सभी लोग उन्हें प्राप्त करने लगे। उस समय लक्ष्मी जी ने स्वयं इस तरह कहा, मुझे कोई बलपूर्वक अपने पास नहीं रख सकता। जिस पुरुष ने प्रशंस्य संपूर्ण गुण होंगे मैं उसी के पास रहूंगी। बोलो श्री हरे श्री हरे। मेरे लिए देवता और दैत्य दोनों ही एक समान है। तुम सब देवता असुर ऋषि तपस्वी ब्राह्मण तथा गंधर्व आदि अपनी अलग अलग पंक्तियां में बैठ जाओ। मैं जिसे चाहूंगी उसे स्वयं वरमाला डालकर वर्ण कर लूंगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं स्वयं उसे वर्ण कर लूंगी जिसपे संपूर्ण गुण होंगे। यह सुनकर सब लोग अपनी अपनी पंक्ति बनाकर बैठ गए। और उस समय से लक्ष्मी जी ने सबसे पहले असुरों की तरफ देखकर कहा, इनका राज्य सदा स्थिर नहीं रहता है। ये लोग महाघमंडी तथा पापी होते हैं, अतः मैं इनके पास नहीं रहूंगी। फिर तपस्वी एवं ऋषियों की तरफ देखकर बोली, ये अति क्रोधी होते हैं, थोड़ा सा अपराध करने पर भी ये श्राप दे डालते हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूंगी। फिर ज्ञानियों की तरफ देखकर कहने लगे, ये लोग नियम और आचार से न रहकर मनमाना काम करते हैं, अतः मुझे ये भी पसंद नहीं है। लक्ष्मी जी ने बोला, अतः मुझे ये भी पसंद नहीं है, जो ज्ञानी लोग होते हैं ये अपने मन की करते हैं, मुझे ये भी पसंद नहीं। फिर देवताओं की ओर देखा और बोली, ये लोग दुर्लभ हैं, इन पर विपत्ति पड़ती है, तो तब ये लोग नारायण जी की शरण में जाकर उनकी सहायता लेते हैं, अतः इन्हें स्वीकार करना भी ठीक नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। और इससे आगे फिर कल सुनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा अध्याय हो जाता है।